अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सरकानी और आप लोग देख रहे हैं बिजनेस यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैंने दो वीडियोस पहले बताया था, मैं बहुत जल्दी थंबनेल की वीडियो देख आऊँगा। सो गाइस, लास्ट वीडियो हमारी काइन मास्टर ट्यूटोरियल पार्ट 4 में थी, तो आज की वीडियो हमारी मेक एचडी थंबनेल, हाउ टू मेक एचडी थंबनेल इन योर मोबाइल फ़ोन में किस तरीके से बना सकते हैं। मैं एंड्रॉइड से बताऊंगा, आईओएस से नहीं बताऊंगा, क्योंकि आईओएस किसी लोगों के पास होता है, किसी लोगों के पास नहीं होता। एंड्रॉइड ये है कि हर बंदे के पास होगा, एंड्रॉइड अफोर्डेबल होता है, आईफोन अफोर्डेबल नहीं होता। सो गाइस, बैक टू द टॉपिक, आज के वीडियो में हम थंबनेल बनाना सीखेंगे, लेकिन किस ऐप से? पिक्सल लैब ऐप से किस तरीके से थंबनेल बना सकते हैं। इस वीडियो में एचडी पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। जिन लोगों को अभी तक, अगर एक यूट्यूबर है थंबनेल बनाना नहीं आता, तो रिमाइंड तक देखें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें, सारी बेल आइकन को प्रेस करें, पहले आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर यूजर नेम एम एफ खान, बड़ी स्लाइड चल रही है एम एफ खान की, मुझे आपके इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलें आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन इस वीडियो के बाद तो गाइज, जैसा कि आपको मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में कि आज की वीडियो हम किस तरीके से थंबनेल बना सकते हैं अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए, आज मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा प्रोसेस एंड्रॉयड मोबाइल से बताऊंगा। और कोई पेड एप्लीकेशन नहीं है, इजी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और उसके बाद आपको प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ सर्च बार में आपको सर्च करना है पिक्सल लैब की स्पेलिंग आप नोट कर रहे हैं, ये देखिए मैंने लिखी हुई है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप पिक्सल लैब को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ था, तो मैं यहाँ से सिंपली से ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ओपन वाले ऑप्शन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, उसके बाद हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस शो हो जाएगा। जैसे ही इस तरीके का इंटरफेस शो होगा, उसके बाद आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 डॉट पर क्लिक कर लेना है। ये 3 डॉट आपको दिख रहे होंगे, मैं एक सेकंड दोबारा दिखा देता हूँ, ये 3 डॉट, ये वाले 3 डॉट पे आपको कर लेना है क्लिक। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है इमेज का साइज़ क्या रखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे इमेज साइज़ के ऊपर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद आपको इधर कस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। कस्टम वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको यूट्यूब थंबनेल का ऑप्शन नज़र आएगा, और बहुत सारे दीगर ऑप्शन भी नज़र आएंगे, जैसे कस्टम यानी आप खुद बनाएं, स्क्वायर, प्रोफाइल पिक्चर, यूट्यूब चैनल बैनर क्या होता है, जैसे आपने लोगो लगाया हुआ तो उससे पीछे जो चैनल का आर्ट लगा होता है बड़ा सा, उसे चैनल बैनर कहते हैं। यूट्यूब थंबनेल, फेसबुक कवर आर्ट, गूगल प्लस कवर फोटो, ट्विटर हेडर साइज, तो हम यूट्यूब थंबनेल के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो उसके बाद इस तरीके का इसका साइज़ हो जाएगा। और ये जो आपको यहाँ पे न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद हमें यहाँ प्लस वाले आइकन पे कर लेना है क्लिक। प्लस वाले आइकन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है फ्रॉम गैलरी, तो हम गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे, जो हमें फ़ोटो सेलेक्ट करनी है थंबनेल के लिए। मैं दिखा आप लोगों को, ऐड कर देता हूँ जल्दी से पिक्चर, ये वाली मेरी पिक्चर है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। और ये आपसे पूछ रहा है यहाँ से साइज़ क्रॉपिंग वगैरह, तो मैं यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करूँगा, ये टिक का बटन, इसके ऊपर करूँगा क्लिक। और इसको हम कर लेंगे बिल्कुल ये साइज़ के बराबर, ये देख सकते हैं आप, इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एडजस्ट हो गई है। उसके बाद आप इसके ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे, तो अगर आप टेक्स्ट को इधर उधर रोटेट करेंगे, हिलाएंगे, तो ये भी आपके इस तरीके से हिलेगी। तो इसके लिए हम एक चीज़ करते हैं, जो मैं उसी तरीके से आपको थंबनेल बनाना सिखाऊंगा जिस तरीके से मैं खुद बनाता हूँ। तो गाइस, अब ये हमारी पिक्चर एडजस्ट हो गई है बिल्कुल ठीक तरीके से। उसके बाद मैं यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको लेयर का ऑप्शन मिल रहा होगा, ये दिस, इसको आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, और आपकी जो लेयर वाला
आपकी जो लेयर, ये जो आपकी फ़ोटो वाली है लेयर, इसके ऊपर आपको एक ऑप्शन मिला होगा लॉक का, ये दिस इज़ अ लॉक, इसको आप कर दें लॉक। उसके बाद इसको वापस लेयर पे क्लिक करें, और उसके बाद जब आप अपनी पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको हिलाए जुलाएंगे यानी रोटेट करेंगे तो ये नहीं हिलेगी। अब उसके बाद थंबनेल बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले इसको टेक्स्ट को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लस वाले आइकन पे जाएंगे दोबारा से, और यहाँ पर टेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलता है हमें, अब उसके ऊपर क्लिक करेंगे। पहले हमने फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करा था, अब टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट आ गया हमारे पास एक। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ पर आपको ये ए वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, ए वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा टेक्स्ट पर, और उसके बाद यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा एडिट। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पर अपना लिख दूँगा जो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मेक, यहाँ पे मैंने मेक ले लिया। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा स्लाइड को, उसके बाद मुझे यहाँ पे मिलता है ऑप्शन एक कलर का, कलर टेक्स्ट का कलर, मैं कलर पे क्लिक करूँगा। उसके बाद इसका यहाँ पे आपको बेशुमार कलर देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ से आप प्लस पे जाके, ये प्लस वाले आइकन पे जाके आप यहाँ पे अपना खुद का कलर डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा आगे की तरफ स्क्रॉल करूँगा, उसके बाद मुझे यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो मैं फॉन्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लूँगा। फॉन्ट के ऑप्शन में मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बेशुमार फॉन्ट मिल जाएंगे, तो आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है ये वाला, मुझे ये वाला अच्छा लगता है, तो मैं उसके बाद यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करूँगा। ओके के बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया, फॉन्ट भी चेंज हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा स्टाइल के ऊपर, और यहाँ पे स्टाइल के ऊपर हमें बेशुमार ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बोल्ड, बोल्ड नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी बोल्ड है। इटैलिक हो जाएगा तो मैं इटैलिक करूँगा, इसे अंडरलाइन हो जाएगा मैं अंडरलाइन नहीं करूँगा। और इसका मतलब ये है कि आपने जो भी लगाया है वो आपसे हट जाएगा, इस वाले टी वाले ऑप्शन का मतलब ये है कि आपने जो जो एनिमेशन यानी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी आपने अपने टेक्स्ट में लगाया है वो सब यहाँ से हट जाएगा। तो मैं इटैलिक करूँगा इसको, और यहाँ से टिक के बटन पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करूँगा, बैकग्राउंड पे जाके इसका इसको एक सेकंड सॉरी इसको मैं यहाँ से इनेबल कर दूँगा। इनेबल करने के बाद जैसे मैं इनेबल करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर ग्रे कलर का ग्रे कलर का बैकग्राउंड आ चुका है, तो मुझे ग्रे ही चाहिए। तो उसके बाद मैं यहाँ पे टिक के बटन पे क्लिक करूँगा, टिक के बटन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा उसके बाद मैं स्क्रॉल करूँगा थोड़ा, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्ट्रोक, मैं स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करूँगा इसको भी, सॉरी स्ट्रोक के ऊपर मैं करूँगा क्लिक, स्ट्रोक के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा उसके बाद मैं यहाँ से इसको सॉरी इसको मैं यहाँ से इनेबल कर दूँगा। इनेबल जैसे ही करूँगा उसके बाद मैं यहाँ से अपना कलर सेलेक्ट करूँगा, कलर मुझे चाहिए वाइट तो मैं वाइट करूँगा। आप देख सकते हैं आप मेरा फॉन्ट जो है वो नज़र आ रहा है। और यहाँ से स्ट्रोक विड्थ आप ज़्यादा कर दें, देखिए विड्थ मैंने ज़्यादा कर दी है 12, तो मैं जो 10 रखूँगा। उसके बाद यहाँ पर टिक के बटन पर क्लिक करूँगा, फिर शेडो लूँगा, शेडो को भी इनेबल कर देंगे और ब्लैक कलर में रहेंगे शेडो को। उसके बाद इम्बोज आप चेक कर लें, अच्छा लग रहा है तो आप रखें, मैंने मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं नहीं रखूँगा। और उसके बाद यहाँ से इसका मैं थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लूँगा, अगर आप कभी ई देखे मेरा थोड़ा सा कट रहा है तो मैं इसको इटैलिक से हटा दूँगा। अगर आपका भी इस तरीके का तो आप भी हटा सकते हैं, देखिए अब सिंपल लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद वैसे अगर आपका भी इटैलिक इस तरीके से कट रहा हो जिस तरीके से मेरा ये देख सकते हैं आप आधा कट रहा है, तो आपको बैकग्राउंड पे जाना है, लेफ्ट साइड की पैडिंग को थोड़ा सा कम, थोड़ा राइट साइड की पैडिंग को आपने थोड़ा सा बढ़ा लेना है। तो आप देख सकते हैं आप कैप का फिर भी थोड़ा सही लग रहा है, तो मैं यहाँ से नहीं करूँगा। लेकिन उसके बाद मैं यहाँ पर बोल्ड पर दोबारा जाऊँगा और इसको नॉन कर दूंगा, और उसके बाद इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको एडजस्ट कर दूंगा, और इसका साइज़ मैं कर दूंगा थोड़ा सा छोटा, और मैं इस तरीके से रखूँगा इसको, इस तरीके से थोड़ा सा रोटेट करके इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ मेक
सही मेक लिख दिया। उसके बाद मुझे चाहिए एक और टेक्स्ट, तो मैं उसके बाद आप चाहे तो प्लस वाले आइकन यहाँ पे आपको दिख रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करें, प्लस वाले आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद टेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ पे नीचे ले आएँ और उसके बाद एडिट एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे आप ले लें, यहाँ पे आपको जो लिखना हो आप वो लिखें। यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोफेशनल, ठीक है प्रोफेशनल लिख दिया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। उसके बाद प्रोफेशनल का भी कलर मैं एज इट इज़ रख दूंगा। कलर पे गया मैं, ब्लैक कलर ले लिया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा फॉन्ट लूँगा, इसका फॉन्ट भी वही ले लूँगा, नहीं फॉन्ट इसका कौन सा था एक सेकेंड गाइस, नहीं ये नहीं था, फॉन्ट में भी सेम ही रखना पड़ेगा हमें ताकि अच्छा लगे। फॉन्ट मैंने सेम ले लिया। उसके बाद मैं बैकग्राउंड चेंज करूँगा और उसके बाद स्ट्रोक पे जाके इसका भी स्ट्रोक वाइट करके इसको भी 10 तक कर दूंगा, 10 करके उसके बाद मैं इसको रोटेट कर दूंगा बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से ऊपर वाला लगा हुआ है। पहले मैं इसका साइज़ चेक कर लेता हूँ, साइज़ कितना है इसका, साइज़ है इसका 76, तो नीचे वाले का भी हमें करना पड़ेगा 76। ये मैं इसको कर देता हूँ 72 कर देता हूँ, 76 तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ से इस तरीके से करके ऐसे ले आता हूँ। तो साइज़ थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, 60 के करीब से भी कम कर देता हूँ, 48 सही है, और इसको भी मैं क्लिक करके 48 ही कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे करता हूँ उसके बाद मैं नीचे करूँगा इसको भी एडजस्ट करने के लिए। ये देखिए मेक प्रोफेशनल, और आपको और इसमें प्रोफेशनल लुक देना है तो आप क्या करें, मेक के ऊपर होल्ड करें और थोड़ा सा इसको आउटसाइड ले जाएं। ये देखिए मेक प्रोफेशनल, अब मुझे दोबारा मैं प्रोफेशनल के ऊपर क्लिक करूंगा और एंड में जाऊंगा और उसके बाद शेडोज़ पे जाके इसके शेडो को ऑन करके ब्लैक कर दूंगा, सही। उसके बाद यहाँ पे हमारे प्रोफेशनल टेक्स्ट का भी काम ख़त्म, बैकग्राउंड इसका इसको मैं बिल्कुल ठीक कर दूँ, ये यहाँ पे हो गया और ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन मेक का आपने देखा छोटा लग रहा है थोड़ा बैकग्राउंड, तो उसके बाद मैं यहाँ पे बैकग्राउंड के ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से राइट पैडिंग को थोड़ा सा बढ़ा लूँगा, प्रोफेशनल में भी जाके राइट पैडिंग को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, ताकि सेम लगे। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैं दोबारा प्लस वाले आइकन पे जाऊंगा, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे ले आऊंगा। उसके बाद यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे लिखूंगा थंबनेल, आपको जो टेक्स्ट लिखना हो आप वो लिख लीजिएगा, थंबनेल लिख लिया। उसके बाद मैं ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा। उसके बाद मैं इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करूँगा, कलर पे जाके मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद फॉन्ट पे जाके आप कोई भी फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसके बैकग्राउंड को इनेबल करके, स्ट्रोक को इनेबल करके मैं स्ट्रोक वाइट करके इसको 10 तक ले जाता हूँ, इसको यहाँ से टिक कर दूँगा। उसके बाद शेडो पे क्लिक करके इसको 10 कर दूँगा इसका शेडो भी। उसके बाद इसको थोड़ा सा आपने साइज़ इंक्रीज़ कर लेना है, और इसकी रोटेशन को आपने बिल्कुल एडजस्ट कर देना है। रोटेशन आप चेक कर लें आप लोगों ने कितनी रखी है, रोटेट 3D, नहीं सॉरी, इस तरीके से रख के, और इसके भी बैकग्राउंड पे जाऊंगा थोड़ा सा मैं, बैकग्राउंड पे जाने के बाद इसकी भी राइट पैडिंग को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा और
लेफ्ट पैडिंग को भी थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। इस पे जाऊंगा, इसकी भी थोड़ी सी लेफ्ट पैडिंग बढ़ाऊंगा। सो गाइस आप देख सकते हैं कितना प्रोफेशनल लुक आ रहा है कि मेक एचडी, मेक प्रोफेशनल थंबनेल। तो ये गाइस यहाँ तक हमने अपने टेक्स्ट इंक्रीज करा है, टेक्स्ट को हमने एडिट करा है। उसके बाद हम यहाँ पे एडिट करेंगे कुछ पिक्चर्स। कुछ पिक्चर्स एडिट करने के लिए, ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमने जो थंबनेल बनाया है वो हमें वो ले लेने हैं। सो गाइस उसके बाद जब हम पिक्चर्स ऐड करेंगे, उससे पहले हमें एक और इम्पॉर्टेंट काम करना है। उसके बाद हमें जो हमने टैग्स लिखे हैं मेक, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लूँगा और इसको मैं यहाँ पे लेयर पे जाके इसको भी कर दूँगा लॉक। उसके बाद मैं दोबारा लेयर पे क्लिक करूँगा, फिर प्रोफेशनल पे क्लिक करूँगा, फिर लेयर पे जाके इसको लॉक कर दूँगा ताकि ये मेरा डिस्टर्ब ना हो। अब इस तरीके से मैं सब कुछ लॉक कर चुका हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा और उसको हिलाऊँगा तो ये हिलेगा नहीं। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है। प्लस वाले आइकन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे पास ऑप्शन शो हो जाएंगे, फिर फ्रॉम गैलरी शो क्लिक करना है। फ्रॉम गैलरी के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा मैं अपने थंबनेल्स ले लूँगा कुछ आप। फिर उसके बाद अगर आपको यहाँ से पिक्चर की क्रॉपिंग करनी हो तो क्रॉपिंग कर लें, वैसे मुझे क्रॉपिंग की थोड़ी ज़रूरत थी। उसके बाद मैं यहाँ से टिक के बटन पर क्लिक कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर जाके इस तरीके से बिल्कुल स्मॉल साइज़ में करके ऐसे कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर लूँगा। तो गाइस मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा, उसके बाद मैं लेयर पे जाके इसको भी लॉक कर दूँगा। जो करें आप इसको लॉक करते रहें ताकि आपका हिले नहीं और आप डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा जाऊँगा प्लस वाले आइकन पे, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करूँगा और यहाँ से अपना दूसरा थंबनेल ले लूँगा, दूसरी पिक्चर ले लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे सॉरी उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा से टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद इसको मैं रिसाइज करके इसको मैं इस जगह पर लगा दूंगा और इसका साइज भी मैं यहाँ पे रख दूंगा इसको। इसके ऊपर से मुझे एक सेकंड लॉक हटाना है क्योंकि मुझे एडजस्ट करना है। एडजस्ट मैंने कर दिया इसको, इसके बाद इसको भी मैं कर दूंगा एडजस्ट। एडजस्ट जैसे ही मैं कर दूंगा उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा, तीसरी अपनी फ़ोटो को ऐड कर लूँगा जल्दी जल्दी से। जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा उसके बाद मैं यहाँ से हल्का सा इसको रोटेट कर लूँगा। उसके बाद मैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट और करूँगा ताकि हमारी तीनों पिक्चर्स बिल्कुल सही तरीके से फिट हो जाए। यहाँ पे क्लिक करा, इसको भी एडजस्ट कर लिया जल्दी से। वैसे आप देख सकते हैं मैंने अपनी फ़ोटो की एडजस्टमेंट्स कर दी हैं पिक्चर्स की। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, मेरा थंबनेल अट्रैक्टिव लग रहा है। उसके बाद मैं इसमें एक चेंजिंग और करूँगा क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो अट्रैक्टिव कलर होता है यानी जो शॉकिंग कलर होता है जिस पर दिल चाहता है कि क्लिक करें वो होता है येलो ब्लू रेड, तीन कलर होते हैं। मैं आपको बता दूँ फिर उसके बाद मैं यहाँ से लॉक कर दूँगा। सो मैं बता रहा था कि तीन कलर जो होते हैं वो होते हैं अट्रैक्टिव, जिनके ऊपर लोग चाहते हैं लाजमी से क्लिक करें। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट मेक के ऊपर क्लिक करूँगा और उसका कलर मैं चेंज करूँगा। कलर मैं सिर्फ एक का ही चेंज करूँगा, किसी थंबनेल का चेंज कर देते हैं। थंबनेल का कलर मैं येलो करूँगा क्योंकि मुझे येलो कलर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। येलो कलर करूँगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा, इसकी स्ट्रोक भी चेंज करूँगा। स्ट्रोक में इसकी ब्लैक करूँगा और वाइट नहीं बल्कि वाइट ही रहने देता हूँ, लेकिन थोड़ी सी नहीं रेड सही है बल्कि। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ से थंबनेल को लॉक कर दूंगा, प्रोफेशनल को भी और मेक को भी।
तो गाइज आप देख सकते हैं अब आप हमारा थंबनेल देखें कितना अट्रैक्टिव लग रहा है कि दिल चाहेगा कि इसके ऊपर हम क्लिक करें और इस वीडियो को वॉच करें। सो गाइज इस तरीके से आप अपने मोबाइल से एंड्रॉयड से आप एक अच्छा प्रोफेशनल HD थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल एंड ईजी तरीके से बताया। उसके बाद हम पिक्चर को कर लेते हैं सेव। उसके बाद मैं यहाँ से 3 डॉट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट इमेज का, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ से आप अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करके सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लें। सेव टू गैलरी वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपकी पिक्चर सेव हो गई। उसके बाद मेरा ये ऐड आ गया तो मैं इसको हटा दूंगा। सो गाइज ये थी आज की एक सिंपल सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे सबसे पहले। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो मेरा इंस्टाग्राम के यूज़र नेम है अहमद फरजान, तो जाके आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके भी फॉलो कर लें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपके वो लोग जो यूट्यूबर हैं थंबनेल बनाने आता वो थंबनेल बनाना सीख लें। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। फरजान अहमद, अल्लाह हाफिज़।